तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। अगर आप 12,000 के प्राइस रेंज में एक अच्छा सुपर एमोलेड डिस्प्ले वाला स्मार्टफोन लेना चाहते हैं तो आपको बता दें कि आप बिल्कुल सही वीडियो पे आए हैं, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आपको 5 ऐसे सुपर एमोलेड डिस्प्ले वाला स्मार्टफोन बताएंगे जो 12,000 के प्राइस रेंज में काफ़ी तगड़ा फीचर के साथ मिल जाएगा। एक समय था जब महंगे महंगे फ़ोन में एमोलेड डिस्प्ले मिला करता था, बट अभी आपको 12,000 के अंडर में भी सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिल जाता है, जो कि काफ़ी अच्छा बात है। और एमोलेड डिस्प्ले का काफ़ी सारा बेनिफिट्स भी है। पहली बात तो पिक्चर क्वालिटी तो अच्छा दिखेगा ही, उसके साथ साथ बैटरी का भी बचत करेगा। इन सभी फोन में आपको पावरफुल चिपसेट मिल जाएगा और इनमें आपको 6,000 mAh तक का बैटरी भी मिल जाएगा। सुपर एमोलेड डिस्प्ले तो मिलेगा ही, उसके साथ साथ हाई रिफ्रेश रेट भी होगा। 64 MP तक का कैमरा मिलेगा। ओवरऑल सभी फोन में आपको फीचर काफी तगड़ा लेवल का दिया गया है, तो वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। तो हमारे लिस्ट का पहला फोन आता है Redmi की तरफ से, Redmi Note 11। अगर आपको 12,000 के अंडर में एक अच्छा ऑलराउंडर सा स्मार्टफोन लेना चाहते हैं तो ये फोन आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन होगा। और प्राइस के अकॉर्डिंग इस फोन में सभी फीचर काफी तगड़ा लेवल का दिया गया है। तो क्या कुछ इस फोन में देखने को मिलेगा, चलिए डिटेल्स में जानते हैं। तो इनमें आपको 6.4 इंच का फुल HD+ एमोलेड डिस्प्ले दिया गया है। डिस्प्ले जो है ना काफी अच्छा दिया गया है, और एमोलेड डिस्प्ले है तो पिक्चर क्वालिटी काफी अच्छा दिखेगा, प्लस बैटरी का भी बचत करेगा। और 1000 nits का पीक ब्राइटनेस मिल जाएगा, जिससे आपको लाइट या आउटडोर में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगा। बात करें स्मूथनेस की तो 90Hz का स्क्रीन रिफ्रेश रेट एंड 180Hz का टच सैंपलिंग रेट दिया गया है। प्राइस के अकॉर्डिंग स्मूथनेस भी जो है ना इस फोन का काफी अच्छा दिया गया है, जिससे अगर आप इस फोन में गेमिंग वगैरह करना चाहते हैं तो वो भी काफी स्मूथली कर पाएंगे। और हाँ, इनमें आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 का प्रोटेक्शन भी मिल जाएगा। तो इस फोन का डिस्प्ले जो है ना काफी अच्छा दिया गया है, अगर आप इस फोन को डिस्प्ले पर्पज के लिए लेना चाहते हैं तो काफी अच्छा होगा। अब बात करते हैं इस फोन का कैमरा का, तो इनमें आपको क्वाड रियर कैमरा सेटअप देखने को मिल जाएगा। प्राइमरी कैमरा 50 MP का दिया गया है, सेकेंड कैमरा 8 MP का दिया गया है जो कि अल्ट्रा वाइड के लिए, थर्ड कैमरा, फोर्थ कैमरा 2-2 MP का दिया गया है जो कि माइक्रो फोटो और डेप्थ सेंसर के लिए है, और सेल्फी कैमरा 13 MP का दिया गया है। आप आगे तथा पीछे का कैमरा से फुल HD तक की वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाएंगे 30 FPS पर। कैमरा जो है ना इस फोन का काफी अच्छा दिया गया है, कैमरा से इस फोन में आपको कोई भी शिकायत नहीं होगा। और इस फोन में आपको कैमरा का काफी सारा बेनिफिट्स भी होगा। अगर आप कैमरा से फोटोज वीडियोज क्लिक करते हैं और एमोलेड डिस्प्ले है तो फोटो का क्वालिटी और वीडियो का क्वालिटी काफी अच्छा दिखेगा, इसलिए इस फोन का कैमरा भी काफी सही है। बात करते हैं इस फोन का परफॉर्मेंस तथा पावर हाउस का, तो इनमें आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 680 वाला चिपसेट देखने को मिल जाएगा ऑक्टा कोर के साथ, और ये चिपसेट 6 nm पर बना हुआ है। प्रोसेसर जो है ना इस फोन का काफी अच्छा दिया गया है, जिससे आप अच्छा खासा गेमिंग कर सकते हैं। और 2,75,000 के आसपास इस फोन का अंतुतु स्कोर है। प्राइस के अकॉर्डिंग स्कोर भी जो है ना काफी अच्छा है। अब बात करते हैं इस फोन का बैटरी का, तो इनमें आपको 5000 mAh का बैटरी दिया गया है, जिनको स्पीड से चार्ज करने के लिए 33W का फास्ट चार्जर का सपोर्ट मिल जाएगा। ये चार्जर जो है ना आपके फोन को काफी फास्ट चार्ज करके देगा, लगभग 1 घंटा में फुल चार्ज कर देगा, और आप इसे लंबा समय तक यूज भी कर पाएंगे, इसलिए बैटरी इस फोन का काफी सही है। अब बात करते हैं इस फोन का रैम स्टोरेज का, तो इनमें आपको 4GB का रैम तथा 64GB के स्टोरेज के साथ मिल जाएगा। आप चाहे तो एक्स्ट्रा मेमोरी को लगाकर स्टोरेज को बढ़ा सकते हैं। इस फोन का प्राइस आपको बाद में बताएंगे, पहले एक नजर डाल लेते हैं इनका अदर फीचर पे। तो इस फोन का वजन आपको लगभग नॉर्मल ही दिखेगा, क्योंकि इस फोन का वेट 179 ग्राम है। 3.5 mm वाला हेडफोन जैक मिल जाएगा। इनमें आपको डेडिकेटेड स्लॉट दिया गया है, जिससे आप 2 SIM तथा 1 मेमोरी कार्ड को एक साथ लगा पाएंगे। यूजर इंटरफेस की बात करें तो MIUI 13 के साथ आता है, जो कि एंड्रॉइड 11 पर है। सिक्योरिटी के लिए फेस अनलॉक तथा साइड फिंगरप्रिंट का सेंसर मिल जाएगा। सिक्योरिटी का काफी ध्यान रखा गया है इस फोन में। अब बात करते हैं आखिरी में इस फोन का प्राइस का, तो इस फोन का बेस वेरिएंट को लेने के लिए, यानी कि 464 वाले वेरिएंट को लेने के लिए आपको 12,500 रुपया देना होगा। लेकिन अगर आप इस फोन को सेल में खरीदते हैं तो आराम से 12,000 के अंडर में मिल जाएगा, या फिर ऑफर लगाकर खरीदेंगे तो 11,500 रुपया में मिल जाएगा। आप अपनी स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। अगर आपको 12,000 के प्राइस रेंज में एक अच्छा ऑलराउंडर सा स्मार्टफोन चाहिए तो ये फोन आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन होगा। अगर आप इस फोन को लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, अदरवाइज वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं हमारे लिस्ट का अगला फोन का। तो हमारे लिस्ट का दूसरा फोन आता है इन्फिनिक्स की तरफ से, इन्फिनिक्स नॉट 11। अगर आपको 12,000 के अंडर में एक अच्छा एमोलेड डिस्प्ले वाला स्मार्टफोन चाहिए तो ये फोन भी आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन होगा। और प्राइस के अकॉर्डिंग इनमें भी सभी फीचर काफी धांसू लेवल का दिया गया है। तो क्या कुछ इस फोन में दिया गया है, चलिए डिटेल्स में जानते हैं। तो इनमें आपको 6.7 इंच का फुल HD+ एमोलेड डिस्प्ले दिया गया है। डिस्प्ले जो है ना इस फोन का काफी अच्छा दिया गया है। इनमें आपको 750 nits का पीक ब्राइटनेस मिल जाएगा, जिससे आपको डे लाइट या आउटडोर में दिक्कत बिल्कुल भी नहीं होगी। बात करें स्मूथनेस की तो 90
हर्ट्ज का स्क्रीन रिफ्रेश रेट एंड 180 हर्ट्ज का टच सैम्पलिंग रेट दिया गया है। प्राइस के अकॉर्डिंग स्मूथनेस जो है ना इस फोन का काफी जबरदस्त दिया गया है, जिससे अगर आप इस फोन में गेमिंग वगैरह करना चाहते हैं तो वो भी काफी स्मूथली कर पाएंगे। और इनमें आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 का प्रोटेक्शन भी मिल जाएगा जो कि काफी सही है। बात करते हैं इस फोन का कैमरा का, तो इनमें आपको ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिल जाएगा। प्राइमरी कैमरा 50 मेगापिक्सल का दिया गया है, वहीं सेल्फी कैमरा 16 मेगापिक्सल का दिया गया है। आप आगे तथा पीछे का कैमरा से फुल HD तक की वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाएंगे 30 FPS पर। कैमरा भी जो है ना इस फोन का काफी अच्छा दिया गया है, जिससे आप अच्छा खासा फोटोग्राफी वीडियोग्राफी कर सकते हैं। अब बात करते हैं इस फोन का परफॉर्मेंस तथा पावर हाउस का, तो इनमें आपको MediaTek Helio G88 वाला चिपसेट देखने को मिल जाएगा ऑक्टा कोर के साथ। और ये चिपसेट हालांकि 12 नैनोमीटर पर ही बना हुआ है, प्रोसेसर जो है ना इस फोन का ठीक ठाक ही है और 215,000 के आसपास इस फोन का अंतुतु स्कोर है। प्राइस के अकॉर्डिंग स्कोर भी ठीक ठाक ही है। बात करते हैं इस फोन का बैटरी का, तो इनमें आपको 5000 mAh का बैटरी दिया गया है, जिनको स्पीड से चार्ज करने के लिए 33 वाट का फास्ट चार्जर का सपोर्ट मिल जाएगा। ये चार्जर भी जो है ना आप ये फोन को लगभग 1 घंटा में फुल चार्ज कर देगा और आप इसे लंबा समय तक यूज भी कर पाएंगे, इसलिए बैटरी इस फोन का काफी अच्छा दिया गया है, आपको अच्छा खासा बैकअप दे देगा बैटरी से, इस फोन में आपको कोई भी शिकायत नहीं होगा। अब बात करते हैं इस फोन का रैम स्टोरेज का, तो इनमें आपको 6 GB का रैम तथा 128 GB के स्टोरेज के साथ मिल जाएगा। आप चाहे तो 512 GB तक का मेमोरी को लगाकर स्टोरेज को बढ़ा सकते हैं। इस फोन का भी प्राइस को बाद में बताएंगे, पहले इसका अदर फीचर पे डाल लेते हैं एक नजर। तो इस फोन का वर्जन आपको लगभग नॉर्मल ही दिखेगा, क्योंकि इस फोन का वेट 184 ग्राम है जो कि ठीक ठाक ही है। 7.9 mm का थिकनेस है, काफी पतला प्लस स्लिम फोन है। इस फोन का लुक डिजाइन जो है ना काफी खूबसूरत दिखेगा। सिक्योरिटी के लिए साइड फिंगरप्रिंट का सेंसर मिल जाएगा। डेडिकेटेड स्लॉट दिया गया है, जिससे आप 2 SIM तथा 1 मेमोरी कार्ड को एक साथ लगा पाएंगे। अब बात करते हैं इस फोन का प्राइस का, तो 4 GB रैम तथा 64 GB स्टोरेज वाले वेरिएंट के लिए आपको 10,500 रुपया देना होगा और 6 GB रैम तथा 128 GB स्टोरेज वाले वेरिएंट के लिए आपको 12,500 रुपया देना होगा। बट 6 128 वाले वेरिएंट को ऑफर लगाकर खरीदते हैं तो आराम से 12,000 के अंडर में मिल जाएगा। अगर आप इस फोन को लेना चाहते हैं तो आप अपना बजट के हिसाब से वेरिएंट को चूज कर सकते हैं। और प्राइस के अकॉर्डिंग इनमें सभी फीचर काफी तगड़ा लेवल का दिया गया है। अगर आप इस फोन को लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। अदरवाइज वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं हमारे लिस्ट का अगला फोन का। तो हमारे लिस्ट का तीसरा फोन आता है सैमसंग की तरफ से, सैमसंग गैलेक्सी M32। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा 64 मेगापिक्सल का कैमरा लिखा हुआ है, तो इस फोन में भाई आपको 64 मेगापिक्सल का कैमरा मिल जाएगा। और आपको तो पता ही होगा कि सैमसंग का कैमरा कितना अच्छा होता है। अगर आपको अच्छा डिस्प्ले, अच्छा कैमरा और बड़ा बैटरा वाला स्मार्टफोन चाहिए ना, तो ये फोन आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन होगा। और फीचर भी काफी तगड़ा लेवल का दिया गया है इस फोन में। तो क्या कुछ इस फोन में देखने को मिलेगा, चलिए डिटेल्स में जानते हैं। तो इनमें आपको 6.4 इंच का फुल HD प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले दिया गया है। उन दोनों फोन में क्या था कि केवल एमोलेड डिस्प्ले था और यहाँ पे सुपर एमोलेड डिस्प्ले है। एमोलेड और सुपर एमोलेड में तो ज्यादा फर्क नहीं होता है, बट थोड़ा सा अच्छा जरूर होता है सुपर एमोलेड डिस्प्ले। और बात कर रहे थे इस फोन के बारे में, इस फोन का डिस्प्ले जो है ना काफी अच्छा दिया गया है और 800 nits का ब्राइटनेस मिल जाएगा, जिससे आपको डे लाइट या आउटडोर में दिक्कत नहीं होगा। बात करें स्मूथनेस की, तो 90 हर्ट्ज का स्क्रीन रिफ्रेश रेट एंड 120 हर्ट्ज का टच सैम्पलिंग रेट दिया गया है। प्राइस के अकॉर्डिंग स्मूथनेस जो है ना इस फोन का ठीक ठाक ही है और इनमें आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन भी मिल जाएगा जो कि काफी सही है। अब बात करते हैं इस फोन का परफॉर्मेंस तथा पावर हाउस का, तो इनमें आपको MediaTek Helio G80 वाला चिपसेट देखने को मिल जाएगा ऑक्टा कोर के साथ। और ये चिपसेट 12 नैनोमीटर पर ही बना हुआ है। आपको बताते चले कि यह फोन गेमिंग के लिए बिल्कुल भी नहीं है, तो आप इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो बात करते हैं इस फोन का बैटरी का, तो इनमें आपको 6000 mAh का एक बड़ा बैटरा दिया गया है, जिनको चार्ज करने के लिए 15 वाट का चार्जर का सपोर्ट मिल जाएगा। हालांकि चार्जिंग में थोड़ा मोड़ा समय तो लेगा, लेकिन एक बार चार्ज करने के बाद आप इसे लंबा समय तक यूज भी कर पाएंगे, इसलिए बैटरी जो है ना इस फोन का काफी धांसू दिया गया है, आपको अच्छा खासा बैकअप दे देगा। और सुपर एमोलेड डिस्प्ले है, उधर से बैटरी का भी आपको काफी बचत करेगा। तो इनमें आपको डबल बोनस पॉइंट मिल जाता है। तो बात करते हैं इस फोन का कैमरा का, तो इनमें आपको क्वाड रियर कैमरा सेटअप देखने को मिल जाएगा। प्राइमरी कैमरा 64 मेगापिक्सल का दिया गया है, सेकंड कैमरा 8 मेगापिक्सल का दिया गया है जो कि अल्ट्रा वाइड के लिए है, थर्ड कैमरा फोर्थ कैमरा 2-2 मेगापिक्सल का दिया गया है जो कि माइक्रो फोटो और डेप्थ सेंसर के लिए है, और सेल्फी कैमरा 20 मेगापिक्सल का दिया गया है जो कि काफी अच्छा बात है। कैमरा जो है ना इस फोन का काफी अच्छा दिया गया है, जिससे आप अच्छा खासा फोटोग्राफी वीडियोग्राफी कर सकते हैं। और इस फोन से फोटोज वीडियोज क्लिक जो कीजिएगा, वो फोटो वीडियो काफी अच्छा क्वालिटी के साथ आपको दिखाई देगा। अगर आपको एक अच्छा कैमरा फोन चाहिए तो उसमें सुपर एमोलेड डिस्प्ले एक अच्छा रोल निभाता है, और इनमें आपको सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिल रहा है जो कि काफी सही है।
अब बात करते हैं इस फोन का रैम स्टोरेज का, तो इनमें आपको 4GB का रैम तथा 64GB के स्टोरेज के साथ मिल जाएगा। आप चाहे तो 1TB तक का मेमोरी को लगाकर स्टोरेज को बढ़ा सकते हैं। तो चलिए एक नजर डाल लेते हैं इनका बेसिक फीचर पे, बाद में इस फोन का प्राइस को आपको बताएंगे। तो इस फोन का वजन आपको लगभग नॉर्मल ही दिखेगा, क्योंकि इस फोन का वेट 196 ग्राम है, जो कि ठीक ठाक ही है। 9.3mm का थिकनेस है, थिकनेस भी थोड़ा सा जरूर है लेकिन ठीक ठाक ही है। इनमें आपको डेडिकेटेड स्लॉट मिल जाएगा, जिससे आप 2 SIM तथा 1 मेमोरी कार्ड को एक साथ लगा पाएंगे। 3.5mm वाला हेडफोन जैक मिल जाएगा। यूजर इंटरफेस की बात करें तो One UI 3.1 के साथ आता है, जो कि Android 11 पर बेस है। और सिक्योरिटी के लिए साइड फिंगरप्रिंट का सेंसर मिल जाएगा। अब बात करते हैं इस फोन का प्राइस का, तो इस फोन का बेस वेरिएंट को लेने के लिए, यानी कि 464 वाले वेरिएंट को लेने के लिए आपको 12,600 रुपया देना होगा। अगर आप इसी फोन को ऑफर लगाकर खरीदते हैं तो आराम से 12,000 के अंडर में मिल जाएगा। अगर आपको 12,000 के अंदर में अच्छा कैमरा, अच्छा डिस्प्ले, बड़ा बैटरी वाला स्मार्टफोन चाहिए तो ये फोन आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन होगा। अगर आप इस फोन को भी लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। अदरवाइज वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं हमारे लिस्ट का अगला फोन का। तो हमारे लिस्ट का चौथा फोन आता है मोटो की तरफ से, मोटोरोला G31। अगर आपको 12,000 के प्राइस रेंज में अच्छा डिस्प्ले और स्टॉक एंड्रॉइड वाला स्मार्टफोन चाहिए तो ये फोन आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन होगा। और ऐसे भी प्राइस के अकॉर्डिंग इसमें सभी फीचर काफी अच्छा दिया गया है। तो क्या कुछ इस फोन में देखने को मिलेगा, चलिए डिटेल्स में जानते हैं। तो इस फोन का वजन आपको नॉर्मल ही दिखेगा, क्योंकि इस फोन का वेट 180 ग्राम है, जो कि ठीक ठाक ही है। 8.4mm का थिकनेस है, 3.5mm वाला हेडफोन जैक मिल जाएगा। इनमें आपको हाइब्रिड स्लॉट दिया गया है, जिससे आप 2 SIM या फिर 1 SIM 1 मेमोरी कार्ड को एक साथ लगा पाएंगे। और हाँ, यह फोन स्टॉक एंड्रॉइड के साथ आता है, जिससे आपको एक भी ब्लॉटवेयर एप्स और एड्स नहीं दिखेगा, जो कि काफी अच्छा बात है। सिक्योरिटी के लिए फेस अनलॉक तथा रियर फिंगरप्रिंट का सेंसर मिल जाएगा। अब बात करते हैं इस फोन का मेन फीचर का, तो इनमें आपको 6.4 इंच का फुल HD प्लस AMOLED डिस्प्ले दिया गया है, जो कि काफी अच्छा डिस्प्ले है। और 700 nits का ब्राइटनेस मिल जाएगा, जिससे आपको डे लाइट या आउटडोर में दिक्कत नहीं होगा। डिस्प्ले जो है ना काफी अच्छा दिया गया है। अब बात करते हैं इस फोन का स्मूथनेस का, तो इनमें आपको 60Hz का स्क्रीन रिफ्रेश रेट दिया गया है, जो कि ठीक ठाक ही है। अब बात करते हैं इस फोन का कैमरा का, तो इनमें आपको ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिल जाएगा। मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का दिया गया है, वहीं सेल्फी कैमरा 13 मेगापिक्सल का दिया गया है। और सबसे अच्छी बात की अल्ट्रा वाइड कैमरा भी दिया गया है पीछे के साइड, जो कि 8 मेगापिक्सल का दिया गया है, जो कि काफी अच्छा बात है। आप आगे तथा पीछे का कैमरा से फुल HD तक की वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाएंगे 30fps पर। कैमरा जो है ना इस फोन का काफी अच्छा दिया गया है, कैमरा से इस फोन में आपको कोई भी शिकायत नहीं होगा। अब बात करते हैं इस फोन का परफॉर्मेंस तथा पावर हाउस का, तो इनमें आपको MediaTek Helio G85 वाला चिपसेट देखने को मिल जाएगा ऑक्टा कोर के साथ। और ये चिपसेट हालांकि 12 नैनोमीटर पर ही बना हुआ है। प्रोसेसर तो ज्यादा हैवी नहीं है, बट प्रोसेसर जो है ना इस फोन का काफी सही है। अब बात करते हैं इस फोन का बैटरी का, तो इनमें आपको 5000mAh का बैटरी दिया गया है, जिनको स्पीड से चार्ज करने के लिए 20W का चार्जर का सपोर्ट मिल जाएगा। बैटरी भी जो है ना इस फोन का काफी अच्छा दिया गया है, आपको अच्छा खासा बैकअप दे देगा। बैटरी से इस फोन में आपको कोई भी शिकायत नहीं होगा। अब बात करते हैं इस फोन का रैम स्टोरेज का, तो इनमें आपको 4GB का रैम तथा 64GB के स्टोरेज के साथ मिल जाएगा। आप चाहे तो 1TB तक का मेमोरी को लगाकर स्टोरेज को बढ़ा सकते हैं। अब बात करते हैं इस फोन का प्राइस का, तो इस फोन का बेस वेरिएंट को लेने के लिए, यानी कि 464 वाले वेरिएंट को लेने के लिए आपको 11,999 रुपया देना होगा, यानी कि नेट 12,000 रुपया इस फोन का प्राइस है। अगर आपको 12,000 के प्राइस रेंज में एक अच्छा स्टॉक एंड्रॉइड वाला स्मार्टफोन चाहिए, जिसमें AMOLED डिस्प्ले हो, तो ये फोन आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन होगा। और प्राइस के अकॉर्डिंग में सभी फीचर काफी अच्छा दिया गया है। अगर आप इस फोन को लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। अदरवाइज वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं हमारे लिस्ट का अगला फोन का। तो हमारे लिस्ट का आखिरी फोन आता है सैमसंग की तरफ से, सैमसंग गैलेक्सी F22। अगर आपको 12,000 के प्राइस रेंज में एक अच्छा सुपर AMOLED डिस्प्ले वाला स्मार्टफोन चाहिए तो ये फोन आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन होगा। और प्राइस के अकॉर्डिंग में सभी फीचर काफी धांसू लेवल का दिया गया है। तो चलिए एक एक करके इस फोन का फीचर को डिटेल्स में एक्सप्लेन करते हैं। तो इनमें आपको 6.4 इंच का HD प्लस सुपर AMOLED डिस्प्ले दिया गया है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि HD प्लस केवल है, फुल HD नहीं है, ठीक है। डिस्प्ले जो है ना इस फोन का काफी अच्छा दिया गया है, जिससे आपको मूवी देखने में या फिर हल्का फुल्का गेमिंग करने में काफी मजा आएगा। 90Hz का स्मूथ रिफ्रेश रेट मिल जाएगा, जो कि काफी सही है इस प्राइस रेंज में। अब बात करते हैं इस फोन का कैमरा का, तो इस फोन में भी आपको क्वाड रियर कैमरा सेटअप देखने को मिल जाएगा। प्राइमरी कैमरा 48 मेगापिक्सल का दिया गया है, सेकंड कैमरा 8 मेगापिक्सल का दिया गया है, जो कि अल्ट्रा वाइड के लिए। थर्ड कैमरा, फोर्थ कैमरा 2-2 मेगापिक्सल का दिया गया है, जो कि माइक्रो फोटो डेप्थ सेंसर के लिए है। और सेल्फी कैमरा 13 मेगापिक्सल का दिया गया है। आप आगे तथा पीछे का कैमरा से फुल HD तक की वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाएंगे 30fps पर। कैमरा जो है ना इस फोन का काफी अच्छा
दिया गया है। कैमरा से इस फोन में आपको कोई भी शिकायत नहीं होगा। आप अच्छा खासा फोटोग्राफी वीडियोग्राफी कर सकते हैं और फोटोज वीडियोज का क्वालिटी भी काफी अच्छा दिखेगा इस फोन में, क्योंकि इसमें सुपर एमोलेड डिस्प्ले दिया गया है जो कि काफी अच्छा है। खैर अब बात करते हैं इस फोन का परफॉर्मेंस तथा पावर हाउस का, तो इनमें आपको मीडियाटेक हेलियो G80 वाला चिपसेट देखने को मिल जाएगा ऑक्टा कोर के साथ। इस फोन का प्रोसेसर को तो हैवी नहीं कह सकते हैं, बट काम चलाऊ प्रोसेसर है। प्रोसेसर जो है ना इस फोन का ठीक ठाक ही है और 2.5 लाख प्लस इस फोन का अंतुत्व स्कोर है जो कि ठीक ठाक ही है। और हाँ, आप इस फोन में हैवी गेमिंग ट्राई मत कीजिएगा। अब बात करते हैं इस फोन का बैटरी का, तो इनमें आपको 6000 mAh का एक बड़ा बैटरा दिया गया है जिनको स्पीड से चार्ज करने के लिए 15W का चार्जर का सपोर्ट मिल जाएगा। हालांकि चार्जिंग में थोड़ा मोड़ा समय लेगा, लेकिन एक बार चार्ज करने के बाद आप इसे लंबा समय तक यूज भी कर पाएंगे, इसलिए बैटरी इस फोन का काफी अच्छा दिया गया है। बैटरी से इस फोन में आपको कोई भी शिकायत नहीं होगा, आपको अच्छा खासा बैकअप भी दे देगा और सुपर एमोलेड डिस्प्ले है तो बैटरी का भी बचत करेगा। अब बात करते हैं इस फोन का रैम स्टोरेज का, तो इनमें आपको 4GB का रैम तथा 64GB के स्टोरेज के साथ मिल जाएगा। आप चाहे तो एक्स्ट्रा मेमोरी को लगाकर स्टोरेज को बढ़ा सकते हैं। इस फोन का प्राइस को तो आपको बताएंगे ही, उससे पहले एक नजर डाल लेते हैं इनका अदर फीचर पे। तो ये फोन आपको थोड़ा मोड़ा भारी महसूस करा सकता है, क्योंकि इस फोन का वेट 203 ग्राम है जो कि ठीक ठाक ही है। 9.4 mm का थिकनेस है, थिकनेस थोड़ा सा ज्यादा है बट ठीक ठाक ही है। इनमें आपको डेडिकेटेड स्लॉट मिल जाएगा जिससे आप 2 SIM तथा एक मेमोरी कार्ड को एक साथ लगा पाएंगे। सिक्योरिटी के लिए फेस अनलॉक तथा साइड फिंगरप्रिंट का सेंसर मिल जाएगा। यूजर इंटरफेस की बात करें तो One UI Core 3.1 के साथ आता है जो कि Android 11 पर बेस है। अब बात करते हैं आखिरी में इस फोन का प्राइस का, तो इस फोन का बेस वेरिएंट को लेने के लिए यानी कि 464 वाले वेरिएंट को लेने के लिए आपको 11,999 रुपया देना होगा, यानी कि नेट 12,000 रुपया इस फोन का प्राइस है। अगर आपको 12,000 के अंडर में एक अच्छा सुपर एमोलेड डिस्प्ले वाला स्मार्टफोन चाहिए तो ये फोन आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन होगा। और प्राइस के अकॉर्डिंग इनमें सभी फीचर काफी धांसू लेवल का दिया गया है, अगर आप इस फोन को लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। वैसे भी आपके पास 5 ऑप्शन है, आपको डिसाइड करना होगा कि कौन सा फोन आपके लिए बेटर होगा। उम्मीद है कि वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल हुआ होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।